व्यूअर्स, वैसे तो हमारी पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत से आइकॉनिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते रहते हैं जिनको ऑडियंस काफी प्रेज भी करते हैं, लेकिन व्यूअर्स आज की वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे 5 बेहतरीन मनफी किरदारों की लिस्ट लेकर आया हूँ जो बहुत ही आइकॉनिक हैं और इनकी अपनी ही एक फैंडम है। तो नाज़रीन, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक लाज़मी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 5 पर आता है इमरान अशरफ फॉर ड्रामा सीरियल इनकार। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इनकार में इमरान अशरफ के कैरेक्टर का नाम रेहान चौधरी था, जो ड्रामे में एक इंतहाई साइको हेटफुल पर्सन होता है। नाज़रीन, ड्रामे में वो एक हेरेसर का भी रोल प्ले कर रहा होता है। नाज़रीन, इस कैरेक्टर को देख कर ही आपको ड्रामे में इस कैरेक्टर से टोटली नफरत हो जाता है। इतना इंच टू इंच परफेक्ट इमरान अशरफ ने ये रोल प्ले किया हुआ है। नाज़रीन, इमरान अशरफ के इस मनफी किरदार को क्रिटिक्स ने भी काफ़ी प्रेस किया था और ये नो डाउट पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेगेटिव कैरेक्टर्स में माना जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आप एक आइकॉनिक नेगेटिव कैरेक्टर वाले ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ड्रामा सीरियल इनकार एक दफ़ा ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 4 पर आता है बिलाल अब्बास खान फॉर ड्रामा सीरियल चीख। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल चीख में बिलाल अब्बास के कैरेक्टर का नाम वज्जी है, जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और इस ड्रामे में भी बिलाल अब्बास ने एक हेरेसर का रोल प्ले किया है। व्यूअर्स, ड्रामे में वज्जी एक ऐसा बेरहम शख्स होता है जिसे ड्रामे में बेड़िया भी कहा गया है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान का कैरेक्टर नेक्स्ट लेवल का है। इसमें बिलाल अब्बास खान और सबा कमर का राइवलरी भी कमाल का है। तो अगर आप बिलाल अब्बास को मनफी कैरेक्टर में देखना चाहते हैं तो इसे एक दफ़ा लाजमी देखें। तो व्यूअर्स, इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 3 पर है अहद रज़ा मीर फॉर ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। व्यूअर्स, इस ड्रामे में अहद रज़ा मीर का कैरेक्टर मनफी होने के साथ साथ एक हद तक काफ़ी ग्रे कैरेक्टर भी था, क्योंकि नाज़रीन, ड्रामा एक रिवेंज सागा पर बेस था। नाज़रीन, इस ड्रामे में प्रोटागोनिस और एंटागोनिस दोनों कैरेक्टर्स ही हम कह सकते हैं कि अहद रज़ा मीर ने प्ले किया था, लेकिन जिस परफेक्शन के साथ बंदे ने जो पेन और जो इंटेंस ड्रामे में दिखाया है वो कमाल का है। व्यूअर्स, इस ड्रामे को लिखा है फरहत इश्तियाक साहिबा ने। इसमें अहद रज़ा मीर के कैरेक्टर का नाम अमन है और इतना बेहतरीन तरीके से इस कैरेक्टर को कैरी और लिखा गया है कि हर मोड़ पर ही आपको ये कैरेक्टर गूज़बम्स देगा। तो नाज़रीन, अगर आप अहद रज़ा मीर के फ़ैन हैं तो इस ड्रामे को अहद रज़ा मीर के लिए एक बार ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 2 पर आता है दानिश तैमूर फॉर ड्रामा सीरियल दीवानगी। व्यूअर्स, इस ड्रामे में दानिश तैमूर के कैरेक्टर का नाम सुल्तान दुर्रानी था, जो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन होता है। और नाज़रीन, ड्रामे का मेन विलन भी सुल्तान दुर्रानी ही होता है। व्यूअर्स, इस ड्रामे में दानिश तैमूर के आई एक्सप्रेशंस, चेरिस्मा, बॉडी लैंग्वेज और जो डायलॉग डिलीवरी करने का अंदाज से बहुत ही कम ड्रामों में आपको देखने को मिलता है। व्यूअर्स, इस ड्रामे में विलन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है, इसी वजह से सुल्तान दुर्रानी की फ़ैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है। तो नाज़रीन, अगर आप एक बेहतरीन आइकॉनिक विलन कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो ड्रामा सीरियल दीवानगी को तो एक दफ़ा ज़रूर देखें। तो नाज़रीन, फाइनली इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 पर आता है फिरोज़ खान फॉर ड्रामा सीरियल खानी। नाज़रीन, फिरोज़ खान ने ड्रामा सीरियल खानी में मीर हादी का रोल प्ले किया था, एक इंतहाई खुदगर्ज एक साइको पर्सन का रोल। नाज़रीन, मीर हादी का कैरेक्टर पाकिस्तानी ड्रामास में विलेनियस कैरेक्टर्स के लिए एक रिवोल्यूशन साबित हुआ। नाज़रीन, इस ड्रामे में जिस परफेक्शन के साथ फिरोज़ खान ने मीर हादी का रोल प्ले किया था, उसके बाद से ही नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामास में विलेनियस कैरेक्टर्स को एक अलग ही अंदाज से देखा गया और एक अलग ही अंदाज से ग्लोरीफाई किया गया, ऑल थैंक्स टू मीर हादी। नाज़रीन, सुल्तान दुर्रानी के कैरेक्टर की तरह मीर हादी के कैरेक्टर की भी फ़ैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है और नाज़रीन, मीर हादी को बेस्ट आइकॉनिक नेगेटिव कैरेक्टर भी माना जाता है। तो नाज़रीन, अगर आप लोग एक नेल बाइटिंग विलेनियस कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो ड्रामा सीरियल खानी को एक दफ़ा ज़रूर देखें। और नाज़रीन, अगर आपने इन ड्रामास में से किसी ड्रामे को देखा है तो आपका फेवरेट विलेन कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया।